दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द चैप्टर लिमिट्स एंड द क्वेश्चन सेज दैट लेट पी इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो वन प्लस टेन स्क्वायर ऑफ रूट अंडर एक्स टू द पावर वन अपॉइंट टू एक्स देन लॉग ऑफ पी इज इक्वल टू व्हाट. ओके, लिमिट निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म डिटरमाइन करना होता है. जब हम लोग इनडिटर्मिनेंट फॉर्म डिटरमाइन करेंगे तो हमें दिखेगा x इज इक्वल टू जीरो रखने पे ये वाला किधर जा रहा है, जीरो को. दिस मीन्स ये वाला पूरा का पूरा चीज़ किधर जा रहा होगा, वन को, और ऊपर वाला किधर जा रहा होगा, इन्फिनिटी को. तो ये किस फॉर्म में है, वन टू दी पावर इन्फिनिटी फॉर्म में. तो हमारे पास तीन एक्सपोनेंशियल फॉर्म होते हैं, जीरो टू दी पावर जीरो, इन्फिनिटी टू दी पावर जीरो एंड वन टू दी पावर इन्फिनिटी. ये तीनों फॉर्म को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, तो सपोज मैं, हमारे पास एक फंक्शन है लिमिट एक्स टेंडिंग टू एनीथिंग ए और ये आ गया एफ एक्स टू दी पावर जी एक्स. ठीक है, जैसे ही एक्स को ए रखा तो ये कोई ना कोई एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन गया सपोज. तो इसको सॉल्व करने का ये तरीका है कि अगर ये पी के बराबर है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको लिखा जा सकता है लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स ए जी एक्स इंटू ई टू दी पावर, ऐसे लिख सकते हैं, ई टू दी पावर जी एक्स इंटू एल एन एफ एक्स. ओके, तो ई टू दी पावर जी एक्स इंटू एल एन एफ एक्स, ये वाला सबसे पहला स्टेप होगा. अब सोचो अगर ये जीरो टू दी पावर जीरो फॉर्म होता तो जी एक्स तो जीरो को जा रहा है अभी भी, एल एन एफ एक्स, एल एन जीरो किधर जा रहा है, इन्फिनिटी को. तो ये क्या बन गया अब, जीरो इंटू इन्फिनिटी. जीरो इंटू इन्फिनिटी को हमें सॉल्व करने आता है कैसे, उसको हम लोग रिड्यूस कर देंगे या तो जीरो बाई जीरो या फिर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी के फॉर्म में, उसके बाद एल एच रूल लगा देंगे. सिमिलरली सोचो अगर ये इन्फिनिटी टू दी पावर जीरो फॉर्म होता तो क्या होता, इन्फिनिटी टू दी पावर जीरो फॉर्म होता तो बोलते ये वाला चीज़ जीरो को जाता और एल एन इन्फिनिटी किधर जाता, एल एन इन्फिनिटी जाता इन्फिनिटी को. तो फिर से ये क्या आ जाता, जीरो इंटू इन्फिनिटी फॉर्म, उसको फिर से सॉल्व किया जा सकता था जीरो बाई जीरो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में. नेक्स्ट इज अगर वन टू दी पावर इन्फिनिटी आता तो क्या होता, अगर वन टू दी पावर इन्फिनिटी आता तो ये होता कि ये इधर इन्फिनिटी को जाता और एल एन वन किधर जाता, जीरो को. फिर से ऊपर वाला किस में आ जाता, जीरो इंटू इन्फिनिटी के फॉर्म में आ जाता, उसको हम लोग जीरो बाई जीरो या फिर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म से सॉल्व कर सकते थे. अच्छा, लेकिन वन टू दी पावर इन्फिनिटी के लिए हम लोग एक स्टेप फर्दर जा सकते हैं, इतना लिखने के बाद एक स्टेप और कर सकते हैं कि सोचो अगर एफ एक्स की वैल्यू वन को जा रही है, एफ एक्स की वैल्यू वन को जा रही है तो हमने एक चीज़ पढ़ा है कि लिमिट वन प्लस एक्स डिवाइडेड बाई सेम एक्स लिमिट एक्स टेंडिंग टूअर्ड्स जीरो इज वन. अच्छा, लिमिट एक्स टेंडिंग टूअर्ड्स जीरो वन प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स इज वन. इसको ऐसे रीड कर सकते हैं कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू एनी थिंग वन प्लस जीरो अपॉन सेम जीरो रहेगा तो वैल्यू कितना आएगा, वन. ओके, तो जब भी हमने लिमिट एल एन के अंदर वन देखा तो मैंने इसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर लिया, ये लिमिट ई टू दी पावर के अंदर जा सकता है. क्यों, क्योंकि ई टू दी पावर एक्स एक कंटिन्यूअस फंक्शन है. सो ई टू दी पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टूअर्ड्स ए जी एक्स एल एन एफ एक्स कैन बी रिटन एज एल एन वन प्लस एफ एक्स माइनस वन. ओके, इससे फ़ायदा क्या हुआ, हमने ऐड किया वन को और सब्ट्रैक्ट किया वन को. अब देखो तुम जब देखोगे तो ये क्या बन गया, जब एक्सटेंडिंग टूअर्ड्स ए था तो ये बन गया एफ एक्स ऐसे ही वन को जा रहा था तो वन माइनस वन जीरो, तो ये बन गया लिमिट वन प्लस जीरो. अगर सेम जीरो नीचे में होता तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. इससे फ़ायदा क्या होता, ये वाला चीज़ किधर को जाता, वन को. इससे हमारा लिमिट रिड्यूस होकर किधर आ जाता, ई को हम लोग एक्सपोनेंट भी लिख सकते हैं, एक्सपोनेंट ऑफ लिमिट एक्सटेंडिंग टूअर्ड्स ए जी एक्स इंटू एफ एक्स माइनस वन. मतलब हम लोग अगर वन टू दी पावर इन्फिनिटी फॉर्म हो तो डायरेक्टली यहाँ तक पहुँच सकते हैं. ओके, अगर यहाँ तक पहुँच सकते हैं तो हमने इसी रूल को अप्लाई किया. इस रूल को अप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टूअर्ड्स जीरो, यहाँ पे एफ एक्स की जगह क्या है, वन प्लस टेन स्क्वायर रूट एक्स. एफ एक्स की जगह ये पूरा है, जी एक्स की जगह ये पूरा है. तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे डायरेक्टली, पी इज बेसिकली एक्सपोनेंट ऑफ लिमिट एक्सटेंडिंग टूअर्ड्स जीरो प्लस जी एक्स, जी एक्स है वन अपॉन टू एक्स इंटू एफ एक्स माइनस वन. एफ एक्स माइनस वन करेंगे तो कितना बचेगा मेरे पास, टेन स्क्वायर रूट एक्स सिर्फ.
ओके अब ये वाला लिमिट निकालना बहुत इजी है। अब देखोगे जीरो बाय जीरो फॉर्म आ गया, जीरो बाय जीरो फॉर्म आ गया तो या तो तुम स्टैंडर्ड लिमिट लगाओ या फिर क्या लगा दो एलएच रूल। एलएच रूल लगाओगे, डिफ्रेंशिएट करोगे ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग, हमारा आंसर एक बार डिफ्रेंशिएट करने से ही आ जाएगा। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं डायरेक्टली फार्मूला स्टैंडर्ड फार्मूला लगा देता हूँ। दिस इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू आर जीरो प्लस, हमें दिख रहा है ये टेन स्क्वायर रूट एक्स को लिखा जा सकता है, टेन ऑफ रूट एक्स मल्टीप्लाइड बाय टेन ऑफ रूट एक्स। ओके और इस नीचे वाले एक्स को लिखा जा सकता है रूट एक्स मल्टीप्लाइड बाय रूट एक्स और एक वन बाय टू फालतू का। ओके तो अब हमने ये चीज़ पढ़ा है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू आर जीरो टेन एक्स अपॉन एक्स कितना होता है, वन होता है। चलो ये तो खत्म हो गया, इसका मतलब ये किधर गया, वन को गया, ये किधर गया, वन को गया, इसका मतलब ये पूरा पी का वैल्यू किधर आ गया, एक्सपोनेंट ऑफ वन बाय टू, एक्सपोनेंट ऑफ वन बाय टू, एक्सपोनेंट ऑफ वन बाय टू का मतलब ई टू दी पावर वन बाय टू। ओके पी का वैल्यू हमें आ गया, अब हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ लॉग पी, लॉग पी मतलब ये बेस ई है, ठीक है। तो लॉग पी क्या आएगा, हमें पी आया है ई टू दी पावर वन अपॉन टू, तो बताओ लॉग पी क्या आएगा, मैं बोलूँगा सिर्फ वन अपॉन टू, तो आंसर इज ए।